क्वेश्चन नंबर 90 तक हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। आज क्वेश्चन नंबर 20 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कल भी तो आया था, कल क्या कॉन्सेप्ट था? 20 हो गया, नहीं तो 20 तो हो गया था, अभी तो कल आया था, 20 तो हो ही गया था, ये 21 होगा। पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर, तो सिंपल है, पार्टनर्स लोन भी पीएल अकाउंट में जाता है और रेंट पेड टू पार्टनर भी पीएल अकाउंट में जाता है। इसके अलावा हर एक चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो क्लियर, इसमें सब कुछ मैक्सिमम आइटम दिया रहेगा। बोलता है एक्स वाई जेड पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1st अप्रैल 2022 एज फॉलो। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो हम रफली हम लोग बना लेते हैं एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर है, एक्स है, वाई है और जेड है। इंफॉर्मेशन, कैपिटल दिया गया है 60,000, 50,000 एंड 40,000। जिसका कैपिटल है 60,000, 50 ना, 50 और 40, 50,000 और 40,000। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। फिर बोलता है ऑन 1st अक्टूबर 2022 एक्स गेव ए लोन ऑफ ₹10,000 टू द फर्म। एक्स ने लोन दिया है, लोन किसने दिया है? एक्स ने। कितना दिया है? 10,000 दिया, और कब दिया है? 1 अक्टूबर को दिया है, 10,000 दिया है और 1 अक्टूबर 2022 को दिया है। ठीक है, चलिए, ये नहीं दिया है, ये लोन नहीं दिया है। फिर बोल रहा था पार्टनरशिप डीड कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेस। पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, लोग का डीड में क्या क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो ये लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 5%। तो 60,000 का 5%, 6×5=30, 3,000, 2,500, 2,000। क्लियर है? फिर बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्स को मिलेगा, 6% मिलेगा। तो 10,000 का 6%, और अकाउंट फाइनल कब हो रहा है हम लोगों का? अप्रैल 22 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब मार्च एंड कभी होता होगा 31 मार्च 23 को, और अक्टूबर 22 में दिया है, तो अक्टूबर से मार्च 6 महीना होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर भी काउंट होगा क्योंकि 1 अक्टूबर है। तो 6 महीना का मतलब ब्याज देना है, तो 6 महीना का 10,000 का कितना परसेंट? 6%। तो 600 का आधा करेंगे तो 300। समझ में आई चीज? सैलरी ऑफ जेड एट द रेट ऑफ 1000 पर मंथ। सैलरी जेड को सैलरी मिलेगा, सैलरी मिलेगा जेड को, इसको इसको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? जेड को मिलेगा। तो पर मंथ है, हम हिसाब तो साल भर का करते हैं, तो 1000 × 12 कितना आएगा? 12,000। कैसे आया तो यहाँ पे बता देंगे, 1000 पर मंथ है और साल का बना रहे हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। बोलता है why to get a rent of ₹500 per month for the use of the premises। why का बिल्डिंग यूज हो रहा है, उसके बदले में उसको ₹500 पर मंथ के हिसाब से रेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अपे रेंट देंगे, रेंट किसको देंगे? why को। कितना देंगे? ₹500 का पर मंथ। साल कितना हो जाएगा? 6,000। अब नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट वाज 30,300। नेट प्रॉफिट, इतना एडजस्टमेंट नहीं किया गया और नेट प्रॉफिट मिक्स करके दिया गया, कितना? 30,000। अच्छा क्वेश्चन है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज्यूमिंग कैपिटल टू बी फिक्स्ड। मतलब कैपिटल को फिक्स मानेंगे तो क्या होगा? जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे हम किसके थ्रू करेंगे? करंट अकाउंट के थ्रू। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है तो हम सब कुछ किस पार्टनर के करंट अकाउंट में देते हैं। तो इसमें तो जो भी आइटम जाएगा, कहाँ जाएगा, वो सब करंट अकाउंट में। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है और लगभग मैक्सिमम आइटम कवर किया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। किसी को सैलरी मिल रहा है, किसी को रेंट मिल रहा है, किसी को लोन मिल रहा है, तो खाली ध्यान देना है इसमें से दो आइटम जो है सब पीएल अकाउंट में बनाना पड़ेगा। पीएल अकाउंट, एक जो रेंट जाएगा आपको वाई का 6,000 रुपये, कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में जाएगा। दूसरा जो इंटरेस्ट ऑन लोन था 300, कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट। बाकी सब आएगा आपको पीएल प्रोफेशनल अकाउंट में। यहाँ पे दो अकाउंट बनेगा, पहले हम पीएल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पीएल प्रोफेशनल अकाउंट बनाएंगे। तो हम लोग रफली बनाते हैं, हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे हम लोग रफली। चलिए रफली हम लोग एक पीएल अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है हमारा? पीएल अकाउंट। और यहाँ बना लेंगे हम लोग पीएल प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, चलिए। तो पीएल अकाउंट में क्या लिखेंगे? सबसे पहला हम लोग प्रॉफिट कितना है हमारा? 30,300। अब इसमें से सबसे पहला रेंट देंगे हम, किसको? पार्टनर्स को रेंट देंगे ना, किसको? ये वाला 30,300 देंगे रेंट। पार्टनर को रेंट, नॉर्मल रेंट नहीं है, पार्टनर्स का रेंट है। कितना रेंट है हमारा? 6,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 300। अब हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, दो आइटम को पीएल अकाउंट में ले लेंगे।
तो 30,300 इसमें से 30,300 6,300 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा, मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 24,000। ये दो आइटम यहाँ क्यों लिए? क्योंकि एक्सपेंस था, शुरू में सिखाया हुआ है। अभी 24,000 यहाँ आ जाएगा पीएलएफ प्रिपरेशन अकाउंट में। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहता तो लिख देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों का है, 3,000 है, 2,000। उसके बाद क्या सैलरी है? सैलरी किसका है? सैलरी जेड का सैलरी कितना देंगे? 12,000। उसके बाद कमीशन वगैरह नहीं है, अब सब कुछ आ गया, कुछ नहीं बचा ना, सब कुछ आ गया। बस बैलेंस निकाल देंगे 24,000 का बैलेंस निकाल देंगे। 24,000 माइनस हो जाएगा कितना हमारा? कैलकुलेटर ऑफिस में ले गए, कैलकुलेटर कितना है? वीडियो पॉज करने का ऑप्शन नहीं है इसमें, स्टॉप हो जाएगा। वो रुकने का नहीं दिया है। देखिए कैलकुलेटर वहाँ ऑफिस से लाना पड़ेगा। अच्छा देख लीजिए, 24,000 में कितना माइनस हो रहा है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,500। तो 20 और 24, 4,500, 4,500 ना, 4,500 क्या करेंगे हम लोग? तीनों के रेशियो में बांट देंगे। तो रेशियो क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या मानेंगे? इक्वली कितना दे देंगे? 1,500 दे देंगे। 1,500 इसको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है ये सब कहाँ जाएगा? सब करंट अकाउंट में जाएगा। सब कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में, क्योंकि जब हम लोग फिक्स डिपॉजिट मेथड यूज करते हैं तो सारा ले लेते करंट अकाउंट। तो जो भी आइटम ट्रांसफर करेंगे सब कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में, और क्वेश्चन ही रहेगा। तो पहले का पीएल अकाउंट बनाएंगे जिसमें 30,300 को लेंगे और 6,300 को हम लोग माइनस करके 24,000 निकालेंगे। पहला बनेगा पीएल अकाउंट हमारा, पीएल अकाउंट बना, 30,300 हम लोग ले लिए यहाँ पे, उसमें से 300 और 6,000 माइनस कर दिए, 24,000 आ गया। अब इससे हम लोग ट्रांसफर कर लिए, कहाँ इसको ट्रांसफर कर लिए? अब 24,000 पीएल प्रोसेसर हमने लिए, अब यहाँ से क्या कर लिया हमने? 12,000 सैलरी दे दिए, 7,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, 4,500 आ गया, 1,500 बांट लिए। कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या कर लिए हम लोग? इक्वली बांट लिए, बस इतना ही करना था। पूरा अच्छे समझ में आ गया, एक बेसिक क्वेश्चन था, कहीं दिक्कत नहीं। तो मुझे इतना ईजी से समझाए हैं, 4 बार रिपीट किए हैं, तो प्रॉब्लम आप लोगों को कहाँ हो जाता है? इसमें दोबारा पूछने की जरूरत कहाँ? एकदम सिंपल है, बेसिक है। क्या क्या मैक्सिमम आता है बता दिए। पीएल अकाउंट में दो आइटम आता है, इंटरेस्ट ऑन ऑन रेंट और पीएल प्रोफेशन अकाउंट में, उसके अलावा सब कुछ आ जाता है। और क्या क्या आता है बताई दिए कि क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, और फिर आएगा ट्रांसफर टू रिजर्व आएगा। उसके बाद लास्ट में जो बचता है डिविजुअल प्रॉफिट बोलते हैं, उसको प्रॉफिट सेविंग्स में बांट देते हैं। नहीं दिया बताइए, कोई बांट देते हैं। इसी ज्यादा है कहाँ जो बार बार कन्फ्यूज करते हैं आप लोग? रटा रटा या फॉर्मेट है, ठीक है? तो बन जाएगा ये लोग